हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो आज कुछ जैसा कि आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है माय डियर फ्रेंड्स, सीधा मुद्दे पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं कि केवीएस पीएड का पीआरटी का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और क्या आखिर फैक्टर्स हैं और क्या रीज़न है जो कि डिले हो रहा है इतना रिजल्ट में, इन सब सभी चीज़ों पे, और एक केवीएस का प्रोसेस क्या है और केवीएस किस किस प्रोसेस से गुजर रहा है, उन सभी पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और आप वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आखिर क्यों डिले हो रहा है रिजल्ट में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक हो रहे हैं। जो भी कट ऑफ के किसी को पता नहीं है कि कट ऑफ कितनी होने वाली है, तो पैनिक तो होना बनता है और उसी के वजह से जो भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपरेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए एक समझते हैं प्रोसेस को कि देखिए माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले क्या होता है कि केवीएस धीरे धीरे चीज़ों को रिजल्ट देना स्टार्ट करता है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू रिजल्ट्स होते हैं और जिसमें प्रमोशंस बहुत कम होते हैं, जिसमें ट्रांसफर्स बहुत कम होते हैं, उन सबके रिजल्ट देता है केवीएस। उसके बाद क्या करता है केवीएस, उसके बाद केवीएस ट्रांसफर करता है, ठीक है, क्या करता है ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर पहले करता है केवीएस लोगों के, ठीक है, जो जो चीजें हो गई उसको ट्रांसफर करता है, ठीक, जो जो ट्रांसफर चाहते हैं। उसके बाद ट्रांसफर पॉलिसी क्लोज, ठीक है, उसके बाद केवीएस क्या करता है कि ट्रांसफर पॉलिसीज क्लोज, ठीक है। तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन के जरिए केवीएस नोटिफिकेशन निकालता है और उसमें मेंशन करता है कि जो भी एनुअली ट्रांसफर पॉलिसीज हैं वो क्लोज की जाती हैं, ठीक है, अब कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद मुद्दा आता है, इसके बाद केवीएस क्या करता है, इसके बाद प्रमोशन पे काम करने लगता है केवीएस, किस पे, प्रमोशन पर, ठीक है। तो क्या होता है प्रमोशन में पहली चीज आती है, इसको समझिएगा बहुत अच्छे से समझ में आएगी, प्रमोशन में पहली चीज किसका प्रमोशन होता है, ठीक है, पहले प्रमोशन करता है वो वीसी से, वाइस प्रिंसिपल से, जो कि वाइस प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल से प्रमोशन करता है। वहीं उसके बाद फिर उसके बाद ये एलडीसी के रिजल्ट होते हैं जो आने स्टार्ट होते हैं, ठीक है, प्रमोशन के। वहीं उसके बाद फिर क्या करता है कि जो पीजीटी से, ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पीजीटी से प्रिंसिपल के लिए जाते हैं, पीजीटी से प्रिंसिपल के लिए जाते हैं, और अब बचते हैं पीजीटी वाले, ठीक है, पीजीटी वाले बचते हैं, तो पीजीटी वालों का भी तो प्रमोशन होता है, तो पीजीटी वाले भी प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, पीजीटी वाले भी प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं। अब होता क्या है कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, केवीएस का रूल है कि इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है, जैसे ही टर्म 3 साल 5 साल कंप्लीट होता है तो वो प्रमोशन ले सकते हैं एक इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू। तो इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं वो सभी सब्जेक्ट के होते हैं, वो चाहे फिजिक्स के हो, वो चाहे केमिस्ट्री के हो, वो चाहे ज्योग्राफी के हो, वो चाहे हिस्ट्री के हो, वो चाहे इकोनॉमिक्स के हो, और भी जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस को, सबके प्रमोशन वो कर रहा है इस समय। तो केवीएस इस समय जो करंट वर्किंग कर रहा है वो किस पे कर रहा है, प्रमोशन पे काम कर रहा है। तो आपने अभी देखा होगा हाल ही में 2-3 दिन पहले केवीएस ने लगातार 4-4, 3-3, 4-4, 3-3 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। तो ये किसके जारी किए हैं, ये सारे प्रमोशन के जारी किए हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि अब यहां तक तो पीजीटी वालों का तो प्रमोशन लगभग हो ही गया है, ठीक है, पीजीटी वालों का हो गया, पीजीटी का पीजीटी में भी हो गया, ठीक है, अब पीजीटी वालों का पीजीटी का प्रमोशन किसमें हो गया, पीजीटी में भी हो गया, ठीक है, पीजीटी का प्रमोशन, पीजीटी से लोग पीजीटी बने, ठीक है, इनका भी प्रमोशन हो गया, पीजीटी से लोग पीजीटी बने। अब बचता है कि एक बचता है, जो बचता है क्या, पीआरटी वाले, ठीक है, पीआरटी वाले भी तो ऐसे टीचर होंगे जो कई सालों से वर्किंग कर रहे हैं, तो पीआरटी वालों क्या प्रमोशन ले ही लेंगे वो बेचारे, तो पीआरटी वाले भी हैं जो टीजीटी में प्रमोशन लेंगे, ठीक है, पीआरटी वालों का भी प्रमोशन होगा टीजीटी में, वो इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं और प्रमोशन होता है उनका,
ठीक है, तो पीआरटी सिर्फ टीजीटी में हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि इनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ठीक है, यहां तक तो मुद्दा खत्म हो गया है। ठीक है, यहां तक मुद्दा खत्म हो गया। अब देखिए जल्दी टीजीटी पीजीटी वालों का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, टीजीटी और पीजीटी वाले जो हैं, जो बाकी रिजल्ट हैं, क्योंकि इनका जो इंटर डिपार्टमेंटल प्रमोशन है वो काम हो चुका है। अब कहां पे कितनी सीट्स बाकी हैं, तुरंत रिजल्ट डिक्लेयर करके ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये मुद्दा हो गया टीजीटी पीजीटी वालों का रिजल्ट को लेके। अब बात करते हैं पीआरटी टू टीजीटी। ठीक है, पीआरटी टू, अब पीआरटी वाले भी तो टीजीटी में प्रमोट होंगे। पीआरटी वाले अपने इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू टीजीटी में प्रमोट होंगे। इससे क्या पता चलेगा, पीआरटी से टीजीटी में प्रमोट होंगे तो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स। ठीक है, कहां पे कितनी सीट्स खाली हैं पीआरटी वालों की। ठीक है, कहां पे कितनी सीट्स खाली हैं, टीवीएस अपने नोटिफिकेशन में पहले ही लिख देता है कि सीट्स आर टेंटेटिव। ठीक है, वो घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो अब कंफर्म होंगी। जैसे ही देखिए एक दो दिन में अब इन्हीं लोगों का बचा है बस पीआरटी टू टीजीटी। आपको देखिए आई होप सो कि आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर ये प्रोसेस सही है तो अब पीआरटी से टीजीटी जाएंगे लोग। उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज पता चलेंगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, कहां कहां पे हैं ये पता चल जाएंगी और इनको ज्वाइनिंग के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक है, इन सभी को ज्वाइनिंग के लिए बोला जाएगा, तब जाके हमको पता चलेगी कि सीट्स बढ़ेंगी या घटेंगी। ठीक है, इससे हमें यह पता चलेगा और तब जाके कहीं केवीएस पीआरटी का रिजल्ट जारी हो सकता है, केवीएस पीआरटी का रिजल्ट। ठीक है, आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि केवीएस ने पहले क्या किया, कि पहले धीरे धीरे रिजल्ट जारी किया, फिर एलडीसी पे आता है, एलडीसी से वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो भी प्रमोशन होते हैं, फिर उसके बाद पीजीटी से प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पे जो प्रमोशन होते हैं, उसके बाद टीजीटी से जो सब्जेक्ट वाइज जो प्रमोशन होता है पीजीटी में, हिस्ट्री फिजिक्स ज्योग्राफी केमिस्ट्री इन सब में प्रमोशन करता है। अब धीरे धीरे उनको वैकेंट सीट्स पता चलती हैं, अब जाके वो रिजल्ट देंगे टीजीटी पीजीटी वालों की। फिर उसके बाद होगा क्या कि जो पीआरटी वाले हैं जो टीजीटी में जाएंगे, पीआरटी वाले अगर इंटर डिपार्टमेंटल प्रमोशन उनका भी होगा तो वो भी पीआरटी वाले टीजीटी में जाएंगे, तो जिससे हमको पीआरटी के टीजीटी जो पीआरटी के वैकेंट सीट हैं वो पता चलेगी, नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स इन पीआरटी। उसके बाद कहीं जाके हमें वैकेंसी हमारी घटेंगी या बढ़ेंगी ये डिसाइड होगा, तब जाके कहीं रिजल्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि अभी और डिले होगा रिजल्ट, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरे हिसाब से न्यूज है। ठीक है, तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आज आ रहा है कल आ रहा है, इन सब चीजों से दूर रहिए। मेरा मकसद बस यही बताना है इस वीडियो के माध्यम से, न कि आपको परेशान करना है। आप बहुत परेशान हो रहे हैं इधर इधर की वीडियोस को देख के कि आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है, बहुत पैनिक हो रहे हैं डे बाई डे। कल मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर प्लीज जल्दी से रिजल्ट आ जाए, मेरी सांस टूट रही है। अब सोचिए ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स पैनिक हो रहे हैं। तो माई डियर फ्रेंड्स, आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन यू ऑल आर फेसिंग विथ, तो मैं आप सभी को समझ सकता हूँ कि आप किस किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। बस इतना दिमाग में डाल लीजिए कि जो एस्पिरेंट्स लाइफ होती है उसमें सबसे अच्छे पल, जिंदगी के पूरी लाइफ के एक लाइफ सर्कल है, उसके सबसे अच्छे पल एस्पिरेंट्स लाइफ में देखने को मिलती हैं और सबसे बुरे पल भी देखने को मिलती हैं। तो यही एक दौर होता है, यही वो दौर होता है जो हमारे आगे के 60 to 70 एज तक हमको जीना सिखाती है, हमको संभलना सिखाती है, कैसे टूट के हमें बनना सिखाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें पेशेंस रखना है, हमें अपने आप को काम रखना है। ठीक है, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, इतना आपको भी पता है। ठीक है, एग्जैक्टली कब आएगा ये किसी को नहीं पता है, तो आप ये दिमाग से निकाल ही दीजिए कि रिजल्ट तो आएगा, बस इतनी छोड़ दीजिए। हमारे हाथ में जो है वो काम करना है, डेमो टीचिंग इंटरव्यू। ठीक है, हमें हेजिटेशन को रिमूव करना है, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है, सब्जेक्ट्स पे काम करना है, कंटेंट पे काम करना है, बहुत सारे काम है, आप उस पे करिए ना, ध्यान हटाइए रिजल्ट से। रिजल्ट तो आएगा, रिजल्ट छोड़ दीजिए, भगवान भरोसे छोड़ दीजिए कि रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा, हो सकता है अभी लेट हो, हफ्ते 10 दिन जो भी हो, क्योंकि प्रोसेस चल रहे हैं और उस प्रोसेस बाई प्रोसेस से जब तक चीजें नहीं होंगी तब तक रिजल्ट आना संभव नहीं है। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी जो मैं आप सभी के सामने डिस्कस करना चाहता था। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं व्यूज और आप सभी को पैनिक करने के लिए ये वीडियो बनाना मेरा मकसद नहीं है, बस एक थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया आपको देना था कि क्यों केवीएस रिजल्ट का डिले हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास। तो मैं आपके पैनिक को, आपके
डिप्रेशन को रिमूव करने के लिए बस ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा खुश रहें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे डेमो टीचिंग, अपने इंट्रोडक्शंस, अपने जो भी कंटेंट है वो सेंड कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस को, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस को। अगर जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं KVSPRT इंटरव्यू 2023 से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, वो 8853954496 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है क्या? 8853954496 पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं और अपने डेमो टीचिंग, अपने इंट्रोडक्शन, अपने इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, सारी चीजें हम कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं, बिना पैनिक हुए, बिना डिप्रेशन हुए। आप बस खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, बाकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो शायद हर संभव जो बनेगा मैं आप सभी के लिए जो कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ। ठीक है, बस आपसे इतना उम्मीद है कि आप लोग अगर ये वीडियो और कंटेंट मेरा अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।